फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमा गणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, आज मैं यहां पर हाथोज एरिया के अंदर हूं और यहां पर एक गेटेड टाउनशिप, आप देख सकते हैं यहां पर गेट लगा हुआ है, एक छोटी सी टाउनशिप है और यहां पर जय श्री राम ये मंदिर है जो इसी सोसाइटी का है। और यहां देख सकते हैं आप रो हाउसेज है जो कि दोनों साइड में देख सकते हैं आप, पूरी रो हाउसेज है। तो एक बेहतरीन शानदार सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है, इसके अंदर रीसेल में ये दो मकान हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों अवेलेबल हैं। तो अगर इसके मेजरमेंट की बात करें तो 95 स्क्वायर यार्ड 95 वर्ग गज के अंदर है, बेहतरीन शानदार डुप्लेक्स विला है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नए नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। लगे हाथ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो ये रीसेल मकान है जो कि एक बेहतरीन शानदार वीडियो होने जा रहा है, पूरी डिटेल मिलेगी, बने रहे वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर डिस्टेंस वाइज बात करूँ मैं तो डिस्टेंस अगर रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर डिस्टेंस है। और यहाँ पर देख सकते हैं हाथोज स्टैंड की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 600 मीटर यहां है। और लालचंदपुरा रोड अगर यहां से, ये सामने स्कूल है, आप देख सकते हैं ये स्कूल है, और स्कूल से इस रोड से सीधा जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर पे लालचंदपुरा रोड है, जो कि लालचंदपुरा रोड के ऊपर ही ये टाउनशिप है। तो देख सकते हैं आप सीमेंटेड रोड है, सीसी रोड है, और यहाँ पर ये दो मकान है जो कि अगर मेजरमेंट की बात करें तो 95 स्क्वायर यार्ड में है। अगर 17x50 इसका मेजरमेंट है, ईस्ट फेसिंग मकान है, लोनेबल प्रॉपर्टी है, और इसकी जो फाइल वगैरह है वो JDA में लगी हुई है, तो थोड़े ही दिनों में ये JDA अप्रूव भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये रैंप है और ये आयरन गेट है, इजी मूवेबल है, और यहाँ देख सकते हैं ये है पार्किंग, पूरी पार्किंग है, और इसकी देख सकते हैं पानी का टैंक है 5000 लीटर कैपेसिटी का है। और यहाँ देख सकते हैं मोटर का प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है, लाइट वगैरह सब लगाई हुई है। और आसपास देख सकते हैं यहाँ पर ये है किचन, किचन के सामने की तरफ यहाँ पर स्पेस है। और इसी के साथ में जैसे ही हमने एंटर किया, आप देख सकते हैं डबल पल्ले के लिए गेट है, और इसको जैसे ही हमने खोला तो यहाँ पर मिलता है एक शानदार, एक फुल डुप्लेक्स विला है जिसके अंदर एक शानदार स्पेशियस हॉल मिलता है। यहाँ देख सकते हैं डाइनिंग टेबल लगी हुई है, सामने की तरफ ये टीवी LCD पैनल है, और इधर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये स्टेयर्स के नीचे स्पेस है। आजकल इसको काफी कवर्ड करके बहुत शानदार बनाया जा सकता है, आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फेसिंग में है और वास्तु के अकॉर्डिंग किचन, आप देख सकते हैं यहाँ पर किचन, एक बेहतरीन शानदार किचन मिलता है आपको यहाँ पे। ये है फ्रिज रखने के लिए स्पेस, और यहाँ देख सकते हैं बॉक्सेस बने हुए हैं, बॉक्सेस भी काफी बॉक्सेस, आप देख सकते हैं इधर भी और इधर भी दोनों तरफ है ये पूरे बॉक्सेस बने हुए हैं। सामने की तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडो है और चिमनी का प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ये पूरी किचन है, और यहाँ देख सकते हैं ये ग्लास लगाया हुआ है जो कि इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देता है। अगर यहाँ सामने की तरफ देखिए ये ग्लास है, जो कि शानदार इंटीरियर के साथ है इसका। इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉश बेसिन है, ये वॉश बेसिन लगाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ देखिए तो ये है एक बाथरूम जो कि आप देख सकते हैं ये टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट है यहाँ पर। और इसी के साथ में मास्टर बेडरूम, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मास्टर बेडरूम है पूरा, ये सामने एक वॉल है जो कि रॉयल फ्लेमिंग डिजाइनिंग के साथ वॉल मिलती है, ऊपर पंखे लाइट बिजली सब लगा करके आपको मिलेगी यहाँ पर, और एसी फिटिंग भी है। इसी के साथ में अटैच्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैच्ड गैलरी है वेंटिलेशन के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर ये एक अटैच्ड बाथरूम भी दिया हुआ है इसके अंदर। इसी के साथ में हम हॉल में आ चुके हैं वापस, और ये था ग्राउंड फ्लोर, 95 स्क्वायर यार्ड का है दोस्तों, और 95 वर्ग गज के अंदर। अगर इसकी कीमत की बात करें तो मात्र 42 42 लाख रुपए के अंदर ये मकान है, जो कि एक बेहतरीन शानदार
3 BHK डुप्लेक्स मिला है, एक बेडरूम यहाँ नीचे था, दो बेडरूम अभी ऊपर लिफ्टर से ऊपर, और यहाँ पर स्टेयर्स लगी हुई है आप देख सकते हैं, और इससे ऊपर की तरफ यहाँ फुल डुप्लेक्स मिला है, जिसके अंदर आपको वापस ये एक होल बिल्डिंग इंटीरियर डिजाइन देख सकते हैं, बेहतरीन शानदार आकर्षक होल मिलता है आपको यहाँ पे, ये देख सकते हैं काफी स्पेशियस, क्योंकि अधिकतर होल के अंदर चाहे घोड़ाई के अंदर ये कट जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरा होल मिलता है, इतना बड़ा सारा होल है। उसी के साथ में ऊपर देख सकते हैं फॉल सीलिंग वगैरह लाइट सफरानी। ये है टॉयलेट बाथरूम, और रियर साइड ये है रियर साइड बेडरूम, और ये देख सकते हैं यहाँ पर एक वॉल है जिसमें रॉयल पेमेंट डिजाइनिंग के साथ में पूरी वॉल प्रीमियम कलर के साथ है, और यहाँ देख सकते हैं अटैच्ड गैलरी, इसी के साथ आप वापस होकर आ चुके हैं, और वॉल के साथ में आपको यहाँ पर फ्रंट साइड स्पेशियस रूम है, ऊपर फॉल सीलिंग वगैरह सारी दी हुई है, और यहाँ अगर इसकी तरफ देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वार्डरोब दिया हुआ है, और अटैच टू बाथरूम आप देख सकते हैं ये है बालकनी, ऊपर वुडन कलर किया हुआ है, और स्टील की रेलिंग है, टफन ग्लास यूज किया हुआ है, और आसपास की लोकेशन देख सकते हैं पूरे मकान बने हुए हैं, तो अगर इंटरेस्टेड हैं आप तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसी और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।